नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में। जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है वो स्टील के पार्ट पे हम करते हैं, तो वो कितने टेम्परेचर पे होती है और इसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। तो नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक की जाती है। यानी कि जो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कितने पे है? 723 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन जो है वो डिसाइड करती है कार्बन की परसेंटेज स्टील के अंदर, तो लगभग 800 से ऊपर होती है, 800 साढ़े 800 900 के करीब, तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। तो जो ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है ये इस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर की जाती है। तो ये जो है ये नॉर्मलाइजिंग रेंज होती है, लगभग ये नॉर्मलाइजिंग रेंज है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो यहाँ पे स्टील के पार्ट को गर्म किया जाता है, हमारे पास जो भी स्टील का पार्ट होगा। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है हमारी? जो स्टील के पार्ट जिसके ऊपर हम मान लीजिए हैमरिंग करते हैं, हैमर के साथ उसके कोई भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, हैमरिंग की उसके ऊपर, या रोलिंग की, रोलिंग प्रोसेस की हमने उसके ऊपर, या बेंडिंग प्रोसेस की, तो उससे क्या होता है, जो भी पार्ट होता है इसके कण कमज़ोर हो जाते हैं। तो उन कणों को दोबारा से स्थापित करने के लिए उसी स्टेट में नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्टील का पार्ट है वो हमारा उसके अंदर जो प्रॉपर्टी पार्ट होते हैं इम्प्रूव, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, तो इम्प्रूव क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी इम्प्रूव हो जाती है, मशीन एबिलिटी, मशीन करने जो उसके ऊपर मशीनिंग एबिलिटी जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आसानी से उसको मशीनिंग किया जा सकता है, वो नरम हो जाती है, और उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो रिफाइन हो जाता है। जो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर है, कणों का स्ट्रक्चर है, वो रिफाइन हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से हमें ये इम्प्रूवमेंट मिलती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट, मशीनिंग में इम्प्रूवमेंट, जो मशीनिंग एबिलिटी है इम्प्रूव हो जाती है, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाता है, नरम हो जाती है, और उसका जो वेल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमें नॉर्मलाइजिंग का। तो नॉर्मलाइजिंग जो रेंज है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये की जाती है। इसके अंदर स्टील के पार्ट को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करेंगे, कुछ टाइम के लिए उसको वहाँ पे रखेंगे, और फिर उसको एयर के थ्रू ठंडा किया जाता है। इसको हम एयर क्वेंचिंग भी बोलते हैं। तो एयर के थ्रू उसको ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर तक, और ठंडा होने के बाद उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, मशीन एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ग्रेन स्ट्रक्चर उसका रिफाइन हो जाता है। तो इस तरह की हमें जो सारी प्रॉपर्टी हैं उसके अंदर इम्पार्ट हो जाती हैं। तो जो नॉर्मलाइजिंग रेंज है हमारी ये होती है, और इसके अंदर चाहे हाइपोयूटेक्टोइड स्टील हो, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील मतलब जिसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है लगभग 0.8% से कम होती है, तो उसको हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं, और जिसके अंदर ये 0.8% से ज़्यादा होती है उसको हम हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील हो या हाइपो यूटेक्टोइड स्टील हो, इन दोनों के लिए ही नॉर्मलाइजिंग रेंज है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर होती है। तो उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए रख के, यहाँ तक हीट करके कुछ टाइम के लिए रख के, और फिर उसको ठंडा किया जाता है एयर के थ्रू, तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती हैं, और जो हमारा पार्ट है वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हमें मिलती हैं। तो ये थी हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।